डियर स्टूडेंट्स, हम कार्ब मरकरी कंपाउंड कार्ब धात्विक यौगिकों में, मैं डॉक्टर पूर्णिमा दीक्षित, आपको पिछले लेक्चर में कार्ब एल्यूमिनियम कंपाउंड्स पढ़ाए थे और इस लेक्चर में कार्ब मरकरी कंपाउंड्स या मरकरी के कार्ब धात्विक यौगिकों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इस प्रकार के यौगिकों को दो प्रकार से बांटा जा सकता है, या तो आर एच जी एक्स, हम मरकरी के कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, आर एच जी एक्स जिसमें कि आर एल्किल समूह है या एरिल ग्रुप है और एक्स जो है विद्युत ऋणी मूलक है, तो आर एच जी एक्स प्रकार के यौगिक या आर टू एच जी प्योरली ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड पाए जाते हैं। अगर इनके प्रिपरेशन की मेथड को देखें तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इनको बना सकते हैं। अगर आर एम जी एक्स क्या हो गया, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर एम जी एक्स टी एच एफ टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन मीडियम की उपस्थिति में मरकरी क्लोराइड से क्रिया कर दोनों श्रेणियों के यौगिक बनाते हैं। आप देखिए ये आर एम जी एक्स जो है ये दो एच जी सी एल टू से अभिक्रिया करके आर एच जी सी एल जो कि प्रथम टाइप के कंपाउंड है, तो आर एच जी सी एल यौगिक बना रहा है, जबकि आर एम जी एक्स ही आर एच जी सी एल की उपस्थिति में आर टू एच जी टाइप के कंपाउंड बना रहा है। तो इस प्रकार से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सहायता से हम दोनों ही प्रकार के, यानि प्रथम आर एच जी एक्स और दूसरा आर टू एच जी प्रकार के यौगिक बना सकते हैं। अगर सेकंड इनकी बनाने का तरीका, मरकरी की एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया से, मरकरी और एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया से सूर्य के प्रकाश में भी आर एच जी एक्स बनते हैं। मरकरी आर एक्स और एच न्यू सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में आर एच जी एक्स प्रकार के यौगिक बनाता है। अगर देखा जाए तो डायल्किल मरकरी की मरकरी क्लोराइड की अभिक्रिया से आर एच जी सी एल बनते हैं। आप देखिए आर टू एच जी डायल्काइल मरकरी एच जी सी एल टू की अभिक्रिया करके और आर एच जी सी एल टाइप के यौगिक बनाते हैं। इसी प्रकार से अगर एच जी सी एल टू, जैसे आपने ऊपर मरकरी क्लोराइड लिया तो एच जी सी एल टू या एच जी एक्स टू जो है ये एल आई आर लिथियम एल्काइल लिथियम की उपस्थिति में आर टू एच जी टाइप के डाई एल्काइल मरकरी यौगिक बनाते हैं। साइक्लो पेंटाडाइन्स जो है साइक्लोपेंटाडाइन्स मरकरी ऑक्साइड के साथ क्रिया कर बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल मरकरी बनाते हैं। यहाँ पर साइक्लोपेंटाडाइन प्लस मर्क्यूरिक ऑक्साइड, तो ये बना सैंडविच कॉम्प्लेक्स। क्या बना? बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल मरकरी संकुल बना। अगर एल्केन्स के साथ देखा जाए तो एच जी एक्स टू क्लोराइड हो गया, जो भी है हेलोजन हो गया, वह अल्केन एल्केन की अभिक्रिया द्वारा मोनोमेरिक आर एच जी एक्स प्रकार के यौगिक बनाए जाते हैं। यहां पर आप देखिए मरकरी क्लोराइड प्लस आर एच मिलकर के आर एच जी एक्स प्रकार के यौगिक दे रहे हैं।
इसी प्रकार से देखा जाए एरिल मर्करी को मर्क्यूरी एसीटेट से बनाया जा सकता है एरिल मर्करी को। तो C6H5 बेंजीन माध्यम में प्लस CH3COO ट्वाइस HG मिल करके C6H5HGOCOCH3 बनाते हैं। तो ये तो बात हुई मरकरी की। अब अगर हम ये देखें कि मरकरी की संरचना क्या होती है, तो संरचना के बारे में सभी R2HG यौगिकों की रेखीय संरचना होती है, यानी R2HG टाइप के संकुलों की या कार्बधात्विक यौगिकों की, संकुलों की नहीं कार्बधात्विक यौगिकों की R2HG टाइप की रेखीय संरचना होती है। रेखीय संरचना आप जानते हैं कि जब 180 का कोण बनता है तो रेखीय संरचना होती है, ये 180 डिग्रीज का कोण, यानी जो भी जिस भी प्रकार के यौगिक हो रहे हैं बन रहे हैं उनमें 180 डिग्री का बंध कोण होना चाहिए। और जब रेखीय संरचना बनती है तो आप जानते हैं कि संकरण होता है sp संकरण। तो इसलिए क्या होता है कि बंध कोण 180 डिग्री बनाए रखने के लिए बहुलीकरण होता है। एग्जाम्पल ऑर्थोफेनाइल मरकरी, जैसे ये ऑर्थोफिनाइल मरकरी जो है पहले द्विलक माना जाता था और संरचना इस प्रकार की दी गई थी जिसमें कि बंध कोण 120 डिग्री का पाया गया, लेकिन इस प्रकार के यौगिक अस्थाई द्विलक होते हैं। स्थाई यौगिक बनने के लिए इनकी त्रिलक यानी तीन अणु मिल करके और त्रिलक बनाते हैं, ये संरचना अधिक स्थाई होती है चूंकि इसमें मरकरी और जो आर समूह है उसके मध्य 180 डिग्री का कोण होता है। अगर 2-2' बायफेनिल मरकरी की मूल संरचना जो है पहले मोनोमेरिक मानी जाती थी यानी एक लक मानी जाती थी, ये संरचना जो है पहले एक लक मानी जाती थी, परंतु इसकी सही संरचना जो है वो टेट्रामर या चतुर्लक संरचना इसकी सही संरचना है, जहां पर कि प्रत्येक मरकरी और जो 2-2' बाय फेनिल मरकरी की जो संरचना है जिसमें यहाँ पर 180 डिग्री का कोण है और इस 180 डिग्री के कोण को बनाने के लिए ये मोनोमेरिक संरचना न बना करके 2-2' बाय फेनिल मरकरी मूल चतुर्लक, मूल रूप से चतुर्लक कंपाउंड या यौगिक बनाता है। तो इस प्रकार से जो कार्बन मरकरी कंपाउंड है ये यहाँ पर त्रिलक टेट्रामर चतुर्लक इन रूपों में पाए जाते हैं, जहाँ की मरकरी का से जुड़े हुए दोनों कार्बनिक समूह जो हैं वो 180 डिग्री पर अगर उपस्थित है तो उस संरचना को अधिक स्थाई संरचना, वो संरचना अधिक स्थाई संरचना होती है। इसलिए मरकरी मोनोमेरिक रूप में या द्विलक के रूप में न पाया जाके उससे अधिक जुड़ करके अणु और ट्राइमर टेट्रामर इत्यादि बनाते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। मैं डॉक्टर पूर्णिमा दीक्षित, नेक्स्ट हम ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स जो हैं वो अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।